अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ वाइट चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको आप वाइट चिकन कोरमा, वाइट चिकन ग्रेवी और बहुत कुछ डिफरेंट वे में आप इसको बुला सकते हैं। बट सिंपली ये इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल वाइट होती है और बिना मसालों के बनती है, इसलिए बहुत यमी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 kg चिकन लिया है, उसमें डाल दिया मैंने 1.5 teaspoon के करीब सॉल्ट और 1 teaspoon के करीब ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी मैरिनेशन है और इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। और देखिए, अभी सिर्फ मैंने इसमें नमक और काली मिर्च डाली हुई है। ठीक है, इसको डालेंगे और डालने के बाद इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक और काली मिर्च है वो अच्छे तरीके से चिकन पर लग जाए। अब इन सबको मिक्स करने के बाद अब मैं नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ मिर्ची का पेस्ट। मैंने 5-6 मिर्चियों को छोटे वाले मिक्सर जार में कूट लिया है, यानी कि पीस लिया है मैंने दरदरा सा। और उसके बाद 3 से 4 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक के पेस्ट डाल दिए हैं मैरिनेशन में। तो ये 4 इंग्रेडिएंट जो है मैंने इसमें डाले हैं, नमक, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और कुटी हुई हरी मिर्च। ठीक है, तो हरी मिर्च को मिक्सर जार में मैंने बताया कि मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, ग्रीन चिली पेस्ट इसका रेडी कर लिया है। पानी डाल के आप बिल्कुल मत पीसिएगा मिर्ची को। उसके बाद इसको साइड में रख दें आधे घंटे के लिए। तब तक यहाँ काजू, बादाम और पोस्ता दाना जो है मैंने भिगो के रखा हुआ था आधे घंटे के लिए अलग अलग कटोरियों में। अब इस सब का पानी हटा दिया, बादाम के छिलके निकाल दिए और इन्हें एक मिक्सर जार में डाल देंगे। और डालने के बाद इनको मैं सूखा सूखा पहले पीसूँगी, उसके बाद पानी ऐड करके पेस्ट बनाऊँगी। तो चलिए, पहले मैंने तीनों को डाल के सूखा सूखा पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया है, पिस गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब इसमें पानी डालेंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। अभी ये बिल्कुल दरदरा है, ठीक है, बारीक नहीं हुआ है। काजू बादाम पिस गए हैं लेकिन इनमें दरदरापन है। अब इसमें पानी डालेंगे और इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। पानी 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके डाल के तब पीसिएगा, एक साथ पानी डाल के आपको नहीं पीसना है। तो इसका रीज़न ये है कि बिल्कुल बारीक पिसते हैं आपके मेवे पहले सूखा चलाने के बाद। अब एक कढ़ाई ले लें या हांडी ले लें जिसमें आपको बनाना है, उसमें 2 तेज़पत्ते, 2 हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च इन सबको डाल दें और 1 बड़ी इलायची ज़रूर डाल दें। और उसके बाद जैसे ही चटक जाए वो, तो इसमें प्याज का पेस्ट डाल दें। तो यहाँ पे मैंने ना 3 छोटे छोटे प्याज लिए थे, उनका मैंने पेस्ट डाल देना है। मीडियम से थोड़े छोटे प्याज थे 3 प्याज, और आप मीडियम साइज़ के प्याज भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो मैंने छोटे छोटे से 3 प्याज डाले थे, ये देख सकते हैं इतनी ही प्याज है ये। इनको जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लें। ठीक है, पहले तेल डालें, ड्राई फ्रूट डालें, फिर प्याज का पेस्ट डाल दें। ठीक है, उसके बाद अब इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और तेल में यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून इस्तेमाल किया था, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हल्का हल्का भून लें, जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर हो जाए तो उसके बाद इसमें चिकन ऐड करूँगी। ठीक है, देखिए प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग वाइट चिकन ग्रेवी बना रहे हैं और अगर इसको ज़्यादा भून देंगे तो पूरे वाइट चिकन ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा, तो ये फिर बिल्कुल भी वाइट नहीं लगेगा। तो प्याज को ज़्यादा नहीं भुना है मैंने, थोड़ा ही भुना है। हल्की सी प्याज पक गई तो अब चिकन के साथ पकाऊंगी। अब थोड़ी बहुत अगर कसर बाकी भी है तो वो चिकन के साथ आराम से पक जाएगी। ठीक है, तो प्याज को धीमी आंच पे भुने, कलर ना आने दें उसमें। उसके बाद देखिए चिकन डाल के मैंने 4-5 मिनट के लिए भुना है। ठीक है, उसके बाद आप देखें जब चिकन का कलर इस तरीके से बिल्कुल वाइट वाइट सा हो गया है ना, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट वाइट सा हो गया है इस तरीके से ना, तो इसी तरीके से मुझे चाहिए। तो अब क्या कर रही हूँ, मैं ढक्कन लगा रही हूँ और ढक्कन लगा के अब हाई फ्लेम पे मैंने 5 मिनट फ्राई किया था, अब ढक करके मैंने इसमें 3 मिनट इसको ढक के रखा है। अब आप देखें ये 3 मिनट मैंने इसको पका लिया है चिकन को अच्छे तरीके से, और ढक्कन हटा लिया है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी काजू, पोस्ता दाना और बादाम का पेस्ट। आप देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया, मैंने यहाँ पे 15 काजू 15 बादाम और पोस्ता का दाना लिया हुआ था 3 to 4 टेबल स्पून, और आप जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इन सब को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
क्या करना है, इसमें मैंने चार हरी मिर्च डाल देनी है, और मैंने मिर्ची का पेस्ट डाला था और मैंने चार हरी मिर्च डाल दी है। इतने में ये अच्छा खासा तीखा हो जाएगा, और आपको जैसे तीखा पसंद है आप बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद मिर्ची डालने के बाद मैंने जस्ट इसमें दही ऐड कर दी, और दही देख सकते हैं आप, मैं हल्का सा फेंट लें ताकि उसमें यू नो गाट गाट सी ना हो। और उसके बाद ये मलाई ऐड कर दें, ठीक है। तो ये दही और मलाई दोनों मैंने ऑलमोस्ट साथ में ही डाल दिया। इन सब डालने के बाद इसकी फिर से भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, और 2-3 मिनट ही इसको पकाएंगे ताकि थोड़ा सा मलाई का अच्छा सा टेक्सचर जो है क्रीमी क्रीमी सा वो हमारी ग्रेवी में आ जाए और दही हल्की सी पक जाए, ठीक है। तो इसको 2-3 मिनट के लिए मैं इसको पका रही हूँ। बीच बीच में चलाते रहें क्योंकि काजू और बादाम का पेस्ट अक्सर जो है नीचे चिपकता है। तो अब देख सकते हैं आप नीचे लगातार चलाते हुए ताकि वो चिपके नहीं, और मैंने इसको पकाया है 2-3 मिनट। अब ये 2-3 मिनट गुजर जाने के बाद अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। ये ऑलरेडी देख सकते हैं ग्रेवी वाला है, बट क्योंकि मुझे थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि जो प्याज का पेस्ट डला है इसमें तो ये बाद में गाढ़ा होगा। तो ये देखें, अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। दूध आप यहाँ मैंने करीब 1/3 कप डाला है, और इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं और इससे कम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ग्रेवी आपको थिकनेस कैसी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूध डालने के बाद धीमी आंच पे इसको मैंने छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और देखें 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं, तो अब मैं गैस के फ्लेम को बंद करूंगी और मेरी बिल्कुल ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। बस एंड में आपको 1 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और उसके बाद आपकी यम्मी सी ग्रेवी रेडी है। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया वगैरह डाल सकते हैं, और बस उसके बाद आप इसे सर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।